नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल में और मैं हूं दैतिक राज तिवारी। इन दिनों उत्तर प्रदेश में सियासी उठापटक तो बहुत जोरों शोरों से चल रही है। कहते हैं कि जब विधानसभा चुनाव होता है उत्तर प्रदेश के अंदर तो जो तमाम सियासी दावपेच होते हैं वो शुरू हो जाते हैं, उनकी शुरुआत भी काबा से शुरू होती है। लेकिन अगर दावपेच पर ही अगर ध्यान दिया जाए तो सियासी उठापटक ऐसी रही है कि एक खेमा कभी मजबूत हो जाता है तो कभी दूसरा खेमा जो शुरू से मजबूत होता है वो ढीला पड़ जाता है। लेकिन अब इसी बीच भोजपुरी अंदाज में भोजपुरी की पूरी तरीके से एंट्री हो चुकी है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर उत्तर प्रदेश का जिला हो, उत्तर प्रदेश राज्य हो और उसमें पूर्वांचल के जो कई सारे ऐसे जिले आते हैं, पूर्वांचल के वो तमाम जिले होते हैं जिनमें भोजपुरी का बिधड़ल्ले से इस्तेमाल किया जाता है। भोजपुरी जो है वो बेसिकली इतना ही पॉपुलर भाषा है, बड़ा ही मीठे ढंग से बोला जाता है। लेकिन अब जो मुद्दा है वो उत्तर प्रदेश में यूपी में काबा, मतलब आखिर है काउ यूपी में। ये भोजपुरी अंदाज रवि किशन ने गाया है जिसको रिलीज जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। लेकिन अगर हम बात करें इसके जवाब में, नेहा सिंह राठौड़ है उन्होंने भी इसके जवाब में बताया कि उत्तर प्रदेश में आखिर काबा। तो उत्तर प्रदेश उनके जो बोल थे उनके बोल अगर हम आपको सुनाना चाहें तो आप सुन सकते हैं। ये साफ तौर पर जो बोल आप सुन रहे हैं इनको हम सुनाते हैं। अरे बाबा के दरबार बा, खत्म रोजी गैर बा, हाथ रस के निर्णय जो हत लड़की के परिवार बा। अरे काबा यूपी में काबा, कोरोना से लाखन मर गईले, लासन से गंगा भर गईले, कोरोना से लाखन मर गईले, लासन से गंगा भर गईले, टिकटी या कफन नोचत कुकुर बिलार बा। हे बाबा काबा। तो आखिर सुना नेहा राठौर ने किस तरीके से व्यंग दिया है। अब नेहा राठौर के इस व्यंग पर एक सिद्धार्थ नगर की वैष्णवी मिश्रा है, बड़ी छोटी सी उम्र में इन्होंने इस पर व्यंग किया है और व्यंग में जो कहा है अब वो भी सुन लीजिए। श्यामबा यूपी में श्यामबा, यूपी में बुद्ध बा, पूरी यूपी शुद्ध बा, यूपी में सब बा, यूपी में रिद्धि बा, यूपी में सिद्धि बा, अब तो रोजगार बा, खेतन में पैदावार बा, यूपी में सब बा, यूपी में सुरक्षा बा, यूपी में संरक्षा बा, 24 घंटे पुलिस बा, कानून का राज बा, यूपी में सब बा, 24 घंटे लाइट बा, यूपी में फ्लाइट बा, सड़क चमा चंबा, मनई में दम्मा, यूपी में सब बा। तो अब तो वैष्णवी मिश्रा का भी आपने सुन लिया। तो जो सियासी उठापटक है, जो सियासी भूचाल मचा हुआ है उत्तर प्रदेश में, वो अब राजनेताओं के साथ साथ अब भोजपुरी गानों पर आए। अगर नेहा सिंह राठौर की हम बात करें, नेहा सिंह राठौर ने सबसे ज्यादा अपना जो चर्चा में आई वो बिहार के चुनाव को लेकर हुआ था, क्योंकि बिहार में जब विधानसभा चुनाव हुए उस दौरान वो सबसे ज्यादा चर्चा में आई, क्योंकि उनका जो गाना था, जो व्यंग था, वो तब जाके वायरल होना शुरू हुआ। तो आखिर ये जो सियासी मोड़ होता है वो शब्दों से साथ साथ राजनेताओं के आने जाने से लेकर अब भोजपुरी के एंगल को पकड़ लिया है। तो ये तीनों कलाकार मिलकर आखिर उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर एक मजबूत पक्ष में दिखते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि एक तरफ योगी आदित्यनाथ रवि किशन मिलके एक गाने को रिलीज करते हैं, उसके व्यंग में आ जाती है नेहा सिंह राठौर। अब उनके गाने के बाद फिर अब उनके ऊपर एक महिला, कहते हैं कि छोटी सी बच्ची है जो इस पे व्यंग कर रही है, क्योंकि वैष्णवी मिश्रा को आपने सुना जिस तरीके से वो व्यंग दे रही है इन खबरों पर, क्योंकि साफ ये तो झलक गया कि भाई हाँ कोई किसी से कम नहीं। अगर रवि किशन है सांसद और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से आते हैं, अब तो उन्होंने बड़ा ही अच्छे अच्छे फिल्में की हैं, बॉलीवुड में भी अच्छी फिल्में की हैं, और वहीं अगर हम भोजपुरी लोक गायिका की बात करें तो उस पे नेहा सिंह राठौर बड़ा चर्चे में रहती है, हमेशा कुछ ना कुछ व्यंग उनका आता ही रहता है। तो ये थी उत्तर प्रदेश के चुनावी जो मोड़ है, चुनावी जो सिलसिला इस वक्त चल रहा है उसको लेकर वो खबरें थी जो आप तक पहुंचानी बहुत जरूरी थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में है आप और उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत में, और भारत में रहते हुए अगर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हो तो उस पर नजर सबकी होती है, और नजर क्यों ना हो, क्योंकि सियासत जो है उत्तर प्रदेश से शुरू होती है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे इंडिया न्यूज नेशनल के साथ। धन्यवाद।
आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ नेशनल।